नमस्कार दोस्तों, हम आए हुए हैं राजस्थान के छापरवाड़ा बांध में। दोस्तों जो ये छापरवाड़ा बांध है ये दूदू कस्बे से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है और ये जयपुर से करीबन 75 किलोमीटर दूर पड़ता है। आपको जयपुर से जब अजमेर जाते हो तो बीच में दूदू कस्बा पड़ता है और उसके बाद में 10-12 किलोमीटर आपको अंदर आना पड़ता है। कितना खूबसूरत दृश्य है आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए, आप जहाँ तक देख रहे हैं केवल पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ये इस तरह की ये मकान बने हुए हैं। कितना खूबसूरत दृश्य है, ये बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। चलो मैं आपको अभी दोस्तों और इसके जो जो यहाँ बने हुए हैं वो दिखाता हूँ। तो ये बांध का मुख्य सीन है, देखिए आप। अभी दोस्तों ये जो आपको जाली दिख रही है, नेट दिख रही होगी, ये नेट इसलिए लगा रखी है क्योंकि ये बांध काफ़ी फैला हुआ है। करीबन 8 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा है। तो जब ये नहर खुली हुई है तो नहर से मछलियां बाहर न चली जाए, इसलिए ये जाली लगा रखी है इन्होंने यहाँ। इस जाली के द्वारा क्या है दोस्तों कि फिर मछलियाँ बाहर नहीं जा पाती। और यहाँ एक और दिखाता हूँ आपको, यहाँ अंदर आपको देखो एक नेट और दिख रही है। ये नेट भी देखो मछलियाँ रोकने के लिए लगा रखी है इन्होंने। ये दूसरी जाली और दिख रही है, ये पानी जा रहा है। और यदि मछलियाँ गलती से पहली नेट को पार करें तो इस नेट के आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगी। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं, ये पहला पानी है। दूसरा देखो दोस्तों, यहाँ से पानी खुलता है, ये इन्होंने खोल रखा। अभी बता रहे हैं दोस्तों ये 34 फीट का गेट है, इनमें से इन्होंने आधा ही खोला है। पूरा खोले तो ये नहर फूट जाए, इसलिए कम खोला है। अब स्केल बताता हूँ कि कितनी क्या स्केल है इसकी। ये देखिए दोस्तों, आपको स्केल दिख रही होगी 22 फीट की। तो जब दोस्तों ये 17 फीट पे स्केल आ जाता है, 17 फीट पे पानी पूरा भर जाता है। इस बार ये 10 फीट पानी आया था और अभी 8 फीट पानी बचा है। और ये देखिए नीचे उतरने की सीढ़ियाँ हैं, मैं उतर रहा हूँ। ये जो गेट खोलते हैं बिल्कुल नज़दीक से बता रहा हूँ, यहाँ जाके आप देख सकते हैं ये किस तरह पानी आता है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये नहरों में जा रहा है दोस्तों पानी, यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर दूर पानी जाएगा। ये यहाँ पर सिंचाई होती है 40 किलोमीटर दूरी पर। और ये तीसरा हिस्सा है यहाँ पर, यहाँ से पानी बाहर निकलता है और फिर सीधा नहर में जाता है। इस तरह का ये है इस। और ये देखिए कितना खूबसूरत ये मकान बने हुए हैं दोस्तों। ये आप सोच रहे होंगे ये मकान कब बने हैं, तो मकानों के बारे में बता दूँ, बांध के बारे में बता दूँ। ये 1894 ईस्वी में 1894 में जो जयपुर के राजा मान सिंह प्रथम थे, उन्होंने दोस्तों ये बनाया था, ये डैम बनाया था पूरा छापरवाड़ा बांध। बहुत ही खूबसूरत बांध है ये। फिर बताता हूँ मैं आपको, देखिए ये राजस्थान सरकार का इंस्ट्रक्शन लगे हुए दोस्तों कि किस तरह आपको घूमना है। और यहाँ पर 3 कमरे भी बने हैं। ये देखिए पुराने टाइम का, आज से 125 साल पहले का बना हुआ है ये। यहाँ के जो स्टाफ हुआ करता था उनके रहने के लिए बने हुए ये। आजकल तो ज़्यादा स्टाफ रहता नहीं है क्योंकि पानी ज़्यादा आता नहीं है। उसके बाद मैं आपको अगले रूम में ले चलता हूँ। ये जो दूसरा रूम है ये भी स्टाफ के रहने का ही रूम है। आज 125 सालों के बाद में भी कितने अच्छे कमरे अभी तक है दोस्तों, अच्छी कंडीशन में। तो पहले की कला करते हुए बहुत दम था। ये देखो कटाई कितनी अच्छी कर रखी है। ये बरामदा है, बरामदा भी देख लो आप किस तरह इन्होंने पत्थर की नक्काशी करी है, बिल्कुल देखने लायक है ये। और सामने से पानी दिख रहा है, ये जहाँ तक नज़र जाती है केवल पानी ही पानी दिख रहा होगा। फिर आपको मैं ले चलता हूँ उसके बाद में
यह इन्होंने रसोई बना रखी है कर्मचारियों के लिए। ये काफ़ी दोस्तों टूट गई है, हालांकि अब तो खाना नहीं बनाते हैं लोग, पहले बनता था यहाँ पर। ये देखिए रसोई घर हुआ करता था पहले राजा महाराजा के टाइम का। और उसके बाद मैं आपको यहाँ दोस्तों दिख रहा आपको पानी है, आपको गेट दिखाता हूँ। जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है तब क्या होता है, ये दोस्तों आप गेट दिखा देखो, एक गेट फिर आगे दो तीन चार, जब 17 फीट पानी भर जाता है तो ये ऑटोमेटिक इनके ऊपर से पानी बाहर चला जाता है ताकि बांध को कुछ नुकसान न हो। इस तरह की इन्होंने यहाँ व्यवस्था कर रखी है, तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है इतनी पुराने समय की। अब दोस्तों बाद में आपको मैं नहर की तरफ ले चलूँगा कि किस तरह सिंचाई होती है। दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं रास्ता है, ये जो पाल के ऊपर ऊपर देखिए ये मुड की सड़क बन रखी है, ये 8 किलोमीटर तक फैली हुई है। यहाँ पर जो यहाँ का स्टाफ है जो इनकी देखभाल करता है उनके लिए हैं, वो आराम से गाड़ियाँ चला सकते हैं इसके ऊपर, आराम से फोर व्हीलर आराम से निकल सकता है यहाँ पर। और फिर वो देखते हैं मतलब पानी चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है उस टाइप का, कितना ऊपर नीचे भी सड़क है अभी इसके बाद बताऊंगा आपको। देख पा रहे हैं जो मेन नहर का पानी आ रहा है एक नंबर गेट से, और बाकी दोस्तों ये जो 5 गेट और बने हुए हैं, ये जब पानी और फ्लो होता है 17 फीट के ऊपर बांध भर जाता है तब ये अपना पानी बाहर चला जाता है, लेकिन 17 फीट पर पानी कभी गया नहीं अभी तक। बांडी नदी का पानी आता है यहाँ पर, ये देखिए आप, ये जो मुख्य नहर के आगे का हिस्सा है इस तरह यह पानी बढ़ता है। फिर दोस्तों जो आगे गांव की तरफ नहर जाती है ये करीबन 28 किलोमीटर की दूरी पे है ये। और अभी मैं पानी बताता हूँ कि नहर के अंदर पानी कितना चल रहा है, तो ये देखिए आप मीटर लगा हुआ है, 4 फीट पे पानी चल रहा है अभी, 5 और 6 ऊपर दिख रहा है। यदि 5 फीट कर दें तो नहर आगे काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तो पानी फूट सकता है काफ़ी, मतलब ये नहर टूट जाए, क्योंकि अभी इसका निर्माण नहीं मरम्मत नहीं हुई है इसकी काफ़ी टाइम से। पानी देखो कितना ऊपर से चल रहा है ये नहर का पानी। एक दोस्तों जो नहर की वितरिकाएँ होती हैं, जो मुख्य वितरिकाएँ उनको जो यहाँ मोरी बोलते हैं, देखिए इस टाइप ये कट्टे लगे होते हैं, जब ये कट्टे हटा देते हैं तब उसके बाद में ये जो मुख्य वितरिकाएँ हैं छोटी नहर है इनके अंदर पानी चला जाता है, थोड़ा बहुत ये पानी रिस रहा है। इस तरह सिंचाई होती है इन लोगों की, किसानों की, यहाँ से 28 किलोमीटर दूर तक पानी जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।